तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सन मैंगलो, यहाँ पर मिस्टर वैंग को ग्रीटिंग दे रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वैंग मिन नाम के पर्सन को, जो कि सन मैंगलो को कह रहा होता है कि अंकल आपको बहुत वक्त हो गया है देखे हुए, बट आप फिर भी यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा ही जवान है। जिस पर सन मैंगलो भी यहाँ पर मिस्टर वैंग की तारीफ करने लगते हैं, तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि अब बस कीजिए अंकल, मैं यहाँ पर आपको बहुत वक्त से जानता हूँ, तो ये तारीफ करना बेकार है। जिसके बाद यहाँ पर सन मैंगलो यहाँ पर मिस्टर वैंग को अपनी कार मिल जाते हुए कह रहे होते हैं कि चलिए थोड़ा मतलब पार्टी वगैरह करने चलते हैं। इसके बाद लू यहाँ पर जैसे ही कार के अंदर बैठता है, जिंग यहाँ पर उससे पूछता है कि वैसे जो बाहर पर्सन है वैंग नाम का, वैसे आप उसकी कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो पर्सन बहुत ज्यादा ही पावरफुल है? तो मिस्टर लू यहाँ पर स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ तुम सही हो। जहाँ पर वो बताते हैं कि जो वो वैंग नाम का पर्सन है वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अभी वो यहाँ पर अपने 30s में ही है, लेकिन वो यहाँ पर डी लेवल की पीक पर पहुंच चुका है और वो जल्दी सी लेवल तक पहुंच जाएगा, और उसका बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा अच्छा है, उसे यांग जिंग का प्रिंस भी कहते हैं। और वो यहाँ पर जहाँ तक बात रही रिलेशनशिप की, तो उसे भी अवॉइड ही करना पसंद करता है। जिस पर जिंग कहता है कि आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं, वैसे भी वो पर्सन यहाँ पर जैसे ही अपने प्लेन से यहाँ पर लैंड किया, हमने देखा उसके पीछे एक लड़की थी, तो आखिरकार इसका क्या मतलब है कि वो रिलेशनशिप और लड़कियों को अवॉइड करता है? जिस पर मिस्टर लू बताते हैं कि उस लड़की का नाम यहाँ पर लीना है और उसकी एज 35 है, इसके अलावा वो यहाँ पर पहले से ही सी लेवल पर है, और वो यहाँ पर अपने लेवल के और उससे हायर लेवल के भी पर्सन को यहाँ पर आराम से डिफीट कर सकती है। जिस बात को सुनकर जिंग कहता है कि अरे वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि और क्या, जो मिस्टर वैंग मिंग है यहाँ पर उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो बचपन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं, वैसे क्या तुमने सभी लोगों को बुला दिया? जिस पर जिंग बताता है कि हाँ बिल्कुल 8 बजे मैंने उन्हें आने के लिए कह दिया था, वैसे इन्होंने यहाँ पर इनको भी बुला लिया था। तो मिस्टर लू इसी बारे में कह रहे होते हैं कि देखते हैं क्या वो आने की हिम्मत करता है। और हम देखते हैं रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं निंग यहाँ पर लीजिंग से पूछ रही होती है कि वैसे क्या आप यहाँ पर खाली है, मैं आपको यहाँ पर एक नाइट क्लब ले जाना चाहती थी। और हम देखते हैं लिन के पास यहाँ पर एक कॉल आ गई थी, जहाँ पर लिन हेलो कहता है, तो कोई पर्सन कहता है कि मिस्टर लिन हमारे पास यहाँ पर बस 10 मिनट बचे हैं, तो क्या आप हमारे एग्रीमेंट को भूल गए हैं? जिस पर लिन कहता है कि अरे सॉरी मैं थोड़ा भूल गया था, अभी थोड़ी देर के अंदर वहां पर आता हूँ। जिसके बाद लिन वहां से जाते हुए उन दोनों से कहता है कि मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया था बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं जब भी चलता हूँ। तो इस पर निंग कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, बट तुम बाद में हमारे साथ एंजॉय करने के बारे में भूलना मत। इसी के साथ हम देखते हैं लिन यहाँ पर होटल पर पहुंच गया था, जहाँ पर मिस्टर लू ने उन्हें उसे बुलाया था, और लिन यहाँ पर होटल को देखते हुए कह रहा होता है कि चलो देखते हैं आखिरकार उन्होंने किस तरीके की तैयारी की है। इसी के साथ हमें यहाँ पर होटल के अंदर की वो जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर बस लिन के लिए एक कुर्सी खाली थी। अब वो कौन सी कुर्सी खाली है, तुम यहाँ पर पॉज कर खुद ही देख लो। तभी हम देखते हैं ये मोटा कहता है, और इसका नाम यहाँ पर तियान जिंग है, जो कि यहाँ पर डी लेवल पर है, लिन के बारे में कि मुझे लगता है कि वो पर्सन यहाँ पर शायद नहीं आना चाहता होगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर 8 बज चुके हैं, और अगर उसे आना होता तो वो चला आता, बट मुझे लगता है कि वो शायद डर कर जोंगाई वापस भाग चुका है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर इसी बारे में बात करने लगते हैं कि लिन से यहाँ पर किस तरीके से अपोलॉजी करानी चाहिए, और लिन यहाँ पर क्या आएगा भी नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन तभी मिस्टर लू कहते हैं कि चिंता मत करो, वो पर्सन यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन ये उसके ऊपर है कि वो यहाँ पर इस मामले को किस तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि वैसे भी उसने यहाँ पर जिंगबाओ को चाकू मारी थी, तो उसे इसके लिए तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा। और उनकी कन्वर्सेशन ऐसे ही चल रही होती है, लेकिन तभी लिन भी आ जाता है, जो कि आते हुए उन सभी से कह रहा था कि मैं अभी तक पहुंचा नहीं और तुमने खाना पीना शुरू भी कर दिया। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि हमें लगा कि तुम नहीं आओगे। जिस पर लिन कहता है कि मैंने जैसा कि पहले यहाँ कर दिया था, तो मैं क्यों नहीं आता, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्यस्त था और इस बारे में भूल गया था, वैसे यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं। इसी के बाद मिस्टर लू यहाँ पर सीधा पॉइंट पर आ जाते हैं कि तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने की यहाँ पर इतनी सारी चीजें की है, तो आखिरकार तुम इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे? जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि हैं क्या बकवास कर रहे हो, वो पहले तुम थे जिसने कि ये सब कुछ शुरू किया था। इस पर मिस्टर लू यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है? इस पर लिन का रिप्लाई कि होटल है, क्या और भी कुछ है क्या? जिस पर तियान जिंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहे हो, तो मुझे तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाना होगा, तो मुझे दिखाओ अपनी स्किल्स को। जिस पर लिन कहता है कि मैं तो बस बातचीत के लिए आया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि कुछ चीजें यहाँ पर कभी नहीं बदलती, भले ही सिचुएशन यहाँ पर कैसी भी हो। और हम देखते हैं कि जिस बात को सुनकर तियान जिंग यहाँ पर लिन के ऊपर अटैक कर देता है, तो लिन यहाँ पर उसके अटैक को डच करते हुए कहता है कि डी लेवल ये काफी बेहतर है। जहाँ पर बाकी सभी भी लिन की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान थे, क्योंकि तियान जिंग यहाँ पर बस लिन के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जहाँ पर लिन बिना कोई एफर्ट के उसे डॉच कर रहा था। जहाँ पर कुछ ही पंचेस के बाद वो पर्सन थक जाता है, तो लिन उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर स्टेमिना की कमी है, भले ही यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो। तो तियान जिंग यहाँ पर लिन से कहता है कि तुम जिंगबाओ के साथ तो अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन मेरे अटैक को यहाँ पर इस तरीके से डॉच क्यों कर रहे हो? जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि क्या सच में? और
कॉलिन यहाँ पर ऐसा कह के उसे उसके बालों से पकड़ लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन ने उसे जमीन पर पटक दिया था। और लिन के इतना करने से उस पर्सन के मुंह से खून आ जाता है और बाकी सभी ये सब देख रहे थे। तभी मिस्टर लू यहाँ पर किसी को उस पर्सन की मदद के लिए कहते हैं और यहाँ पर खड़े होते हुए लिन से कहते हैं कि इस लेवल के साथ तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने शर्ट को फाड़ते हुए कह रहे हैं कि अब वक्त है तुम्हें सबक सिखाने का। तभी लिन यहाँ पर उसे कहता है कि सब कुछ बहुत हो चुका है, अब यहाँ पर लड़ने की लड़के मरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मुझसे माफी मांग लो, ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस पर मिस्टर लू यहाँ पर लिन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जहाँ पर लिन मिस्टर लू के अटैक को रोकते हुए कह रहा होता है मन के अंदर कि इसके अटैक को दूसरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसका लेवल सी है। इसी के साथ हम देखते हैं उनके बीच में यहाँ पर मस्त फाइट वगैरह होने लगती है, जहाँ पर मिस्टर लू फाइट करते हुए कह रहे होते हैं कि इसकी ताकत मेरे से ज्यादा है। और अगले ही पल लिन यहाँ पर उनके दोनों हाथों को पकड़कर उनके पेट में घुटना मारते हुए उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा आराम से हरा देता है। जहाँ पर लिन उनके चेस्ट पर पैर रखते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दो, तुम सी लेवल पर होने के बावजूद भी मेरे अपोनेंट नहीं हो। और लिन यहाँ पर ही सब कुछ कह रहा था, लेकिन तभी जिंग यहाँ पर लिन के सर पर बंदूक लगा देता है। और उसके बाद वो यहाँ पर लिन से कह रहा था कि मेरे भाई को जाने दो। जहाँ पर लिन कहता है कि तुम यहाँ पर बस एक टूटी हुई छोटी सी बंदूक के साथ क्या तुम मुझे यहाँ पर डरा सकते हो। जिस पर जिन यहाँ पर जैसे ही फायर करता है, लिन यहाँ पर उसे आराम से डॉच कर लेता है। और बाकी सभी लिन के यहाँ पर इतने भयानक रिफ्लेक्सेस को देखकर सभी हैरान थे। जिसके बाद लिन यहाँ पर एक चाकू निकालते हुए जिन से कहता है कि अब ये मेरा वक्त है। और लिन यहाँ पर ऐसा कहते हुए उसके बाजू में चाकू धंसा देता है। जिसके बाद लिन यहाँ पर वापस से लू को अपने पैरों से दबाते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर शुरुआत से यहाँ पर एकदम पीसफुल तरीके से बात करने के लिए आया था। जिस पर लू भी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम यहाँ पर अभी के लिए मुझे जाने दो, मैं इसके बाद यहाँ पर फ्यूचर के अंदर तुमसे उलझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। जिस पर लिन यहाँ पर अपना पैर हटाते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर जाता अपोलॉजी वगैरह की परवाह नहीं करता हूँ, मेरे लिए तुमने जितना भी कहा है उतना ही काफी है, बस तुम फ्यूचर में इन बातों से पीछे मत होना, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को तबाह कर दूंगा। और हम देखते हैं कि जब लिन वहां से चला जाता है, तभी मिस्टर लू के पास एक कॉल आती है। सॉरी, ये कॉल यहाँ पर मिस्टर लू ने मिस्टर वैंग के पास की होती है, जहाँ पर वो मिस्टर वैंग को सारी की सारी चीजें बता देते हैं। तो मिस्टर वैंग यहाँ पर इस बात को सुनते हुए कह रहे होते हैं कि वो जरूर एक टफ अपोनेंट रहा होगा। तभी लीना की नजर यहाँ पर लिन के ऊपर पड़ जाती है, जहाँ पर वो मिस्टर वैंग को भी बुलाती है। और वो यहाँ पर लिन को देखते हुए कह रही होती है कि जिस पर्सन ने यहाँ पर मिस्टर लू को हराया है, वो जरूर यहाँ पर यही पर्सन होना चाहिए। तभी मिस्टर वैंग यहाँ पर सभी को शांत कराते हुए कहते हैं कि काम डाउन, यहाँ पर हमें एक मीटिंग रखकर हमें यहाँ पर इस बारे में एक बेहतर डिसीजन लेना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर लीना से कहते हैं लिन के कार के नंबर को जानने के लिए, ताकि वो यहाँ पर बाद में लिन को यहाँ पर ट्रेस कर सके। और वो भी यहाँ पर इसके लिए हाँ कर देती है। और हमें दिखा देता है मिस्टर लू को, जो कि यहाँ पर किसी तरीके से उस कमरे से बाहर आते हैं। जिसके बाद जो मिस्टर लू है, वो जैसे ही मिस्टर वैंग के सामने आते हैं, मिस्टर वैंग उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर उससे लड़े थे तो हार कैसे गए, और आखिरकार वो पर्सन है कौन। जिस पर मिस्टर लू बताते हैं कि वो यहाँ पर लिनिय है, जो कि यहाँ पर लिनियन ग्रुप का हेड है। वैसे क्या आपने यहाँ पर इसके बारे में सुन रखा था। जिस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि उतना तो नहीं, बट इतना सुन रखा था कि वो ग्रुप यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बड़ा है, और उसका जो हेड है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सीक्रेट है। और इसके अलावा वो ग्रुप यहाँ पर चौंघाई के अंदर सभी कंपनियों में यहाँ पर सबसे टॉप पर आता है। और जैसा कि तुम्हारी फाइट को देखकर लग रहा है, वो पर्सन सच में स्ट्रांग है। जिस पर मिस्टर लू बताते हैं कि नहीं, वो स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बल्कि उसने तो यहाँ पर एक बुलेट तक को चकमा दे दिया। जिस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि नहीं, वो स्ट्रांग नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है। और वैसे भी जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर लीवर को दबाया था, तैसे उसने यहाँ पर प्रतिक्रिया की थी। इसका मतलब कि उसे पहले से ही पता था कि उस वक्त यहाँ पर शूट होने वाला है। जिस बात को सुनकर मिस्टर लू कहते हैं कि उसके करंट की स्किल्स के साथ यहाँ पर ऐसा करना संभव है। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि क्या वैंग फैमिली ने यहाँ पर तुम्हें इस जगह पर सिर्फ इसीलिए यहाँ पर रूल करने दिया, ताकि तुम यहाँ पर एक स्ट्रांग पर्सन के तौर पर सामने आओ, लेकिन अभी तुम खुद ही यहाँ पर हारते जा रहे हो, उसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारे ऊपर भरोसा करने का हमारा डिसीजन गलत है? जिस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। इसी के बाद मिस्टर वैंग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी आज रात के मामले के लिए तुम्हें इतना ज्यादा भी आने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कह के मिस्टर वैंग यहाँ पर उसे अपने साथ आने से मना कर चले जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कार का सीन, जहाँ पर लियान कह रही होती है कि यंग मास्टर, क्या आप यहाँ पर सच में यहाँ पर लिनिय के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं? जिस पर वैंग कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो बस उसके खिलाफ यहाँ पर बस एक एक्शन ले रहा हूँ। जिस पर लियान कहती है कि तो फिर आप इन चीजों के लिए लू को क्यों ब्लेम कर रहे थे? जिस पर वैंग बताता है कि वो यहाँ पर लिन को हराना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पर लैंग फैमिली वो यहाँ पर इन सभी चीजों के बीच में आती है, इसलिए उसने यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर संग फैमिली यानी कि लू को दे दिया है। जिस पर लियांग कहती है कि यहाँ पर मिस्टर लू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर लिनी है वो एक ऐसा अपोनेंट है जिसे कि वो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इस पर वैंग कहता है कि हाँ मुझे पता है ये उनके लिए इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ उसे हरा ना सके तो कम से कम यहाँ पर उसे हाथ या पाँव से डिसेबल कर दें, क्योंकि इतना ही यहाँ पर मेरे गुस्से
गुस्से को शांत करने के लिए काफी होगा। और वैसे भी इस वक्त यहाँ पर हम लोग एक अनडिस्कवर कार्ड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, यहाँ तक के लिन भी नहीं जानता है, तो इस वजह से कुछ भी यहाँ पर आगे पीछे होता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पर लैंग फैमिली को चुकाना होगा और वो इसे एस्केप भी नहीं कर पाएगी। जिस पर लियांग कहती है कि फिर तो ये यहाँ पर लिनिया की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो जाएगा। जिस पर वांग कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम मिस जे है, वो यहाँ पर बस एक ऑर्डिनरी बिजनेस वुमेन है, तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जहाँ तक बात रही मिस रिक्तु की, तो यहाँ पर मैटर थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर अगर अपना फुल ट्राई करती है तो वो शायद यहाँ पर हमें अनकवर कर सकती है, वो भी जो सन की फैमिली है उसे आराम से डिस्ट्रॉय करके। इसी के बाद हमारा सीन यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जिंग के हाथ में प्लास्टर चढ़ गया होता है, पता नहीं कैसे, बट लिन ने उसे टच भी नहीं किया। हो सकता है वो बंदूक की गोली की वजह से हुआ हो। लेकिन हम देखते हैं कि लू यहाँ पर क्वेश्चन करता है डॉक्टर से कि अभी उसके भाई की कंडीशन कैसी है, तो कि उसके हाथ की मसल्स थोड़ी बहुत खिंच चुकी है और उसके बोन्स के अंदर हल्का सा क्रैक आ गया है। डॉक्टर यहाँ पर लू को इतना बताकर वहाँ से चला जाता है और जिंग यहाँ पर अपने भाई से कह रहा होता है इस मैटर को और ज्यादा सीरियस लेने के लिए। जिस पर हम देखते हैं लू यहाँ पर झेंग क्यूपिंग को वहाँ पर छोड़कर बाकी सभी को जाने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी के जाने के बाद लू यहाँ पर झेंग क्यूपिंग को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पर कुछ लोगों को कह सकते हैं कि किलर्स को यहाँ पर हायर कर सकता है लिन को मारने के लिए, जो कि यहाँ पर बात होती है उसे यहाँ पर जिंग भी सुन लेता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि बड़े भाई क्या आप यहाँ पर ये जानते हुए कि लिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्सन है ऐसा करना चाहते हैं। जिस पर उसका भाई कहता है कि क्यों नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर इसे एकदम सीक्रेटली करते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं होगा, जो कि यहाँ पर इस बारे में पता लगा सके कि आखिरकार इसके पीछे था कौन। जहाँ पर झेंग क्यूपिंग भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो यहाँ पर बताता है कि वो यहाँ पर कुछ किलर्स को जो कि असैसिन के तौर पर काम करते हैं उन्हें जानता है और वो यहाँ पर कल उन्हें बुला लेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है नॉर्थ के माउंटेन्स को। अब मुझे नहीं पता क्लिन यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पर आए होते हैं, जहाँ पर निंग लीजिंग को बता रही होती है कि वो यहाँ पर अक्सर आया करती थी और उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस जगह का, लेकिन कई महीनों से वो भी खाली नहीं थी, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई। जहाँ पर लीजिंग भी कह रही थी कि जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या मिस्टर लिन आपको यहाँ पर आइस स्केटिंग आती है या फिर आपने कभी इसे ट्राई भी किया था। जिस पर लिन बताता है कि उसने भी यहाँ पर इसे कभी ट्राई नहीं किया था और ये उसका फर्स्ट टाइम है, तो वो यहाँ पर देखना चाहता है कि वो इसे यहाँ पर किस तरीके से कर पाता है। जिस पर निंग ऑफर करती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ असैसिन्स को जो कि यहाँ पर लिन को देखते हुए कह रहे होते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को उन लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है। जिस पर झाओ क्यूपिंग कहता है कि हाँ लेकिन वो ज्यादा वक्त तक ये नहीं कर पाएगा, तो वो असैसिन कहता है हमें यहाँ पर सबसे पहले जरूरत है एक जगह को सेट करने की जहाँ से हम उसे अपने रास्ते से हटा सकेंगे। जहाँ पर वो स्नाइपर वाला किलर कहता है कि उसे यहाँ पर झाड़ियों के बीच में छिपना होगा झाओ क्यूपिंग को, और जैसे उसे यहाँ पर ऑर्डर मिले उसे डायरेक्ट यहाँ पर फायर करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से भाग जाना होगा बिना कुछ सोचे हुए। इसी के साथ हम देखते हैं कि लोगों की बातें चल रही होती हैं कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी, तुम यहाँ पर चिंता मत करो। जिसके बाद निंग यहाँ पर इनसे कहती है कि एक बिगिनर होने के बावजूद भी क्या यहाँ पर फिर भी तुम इसे यहाँ पर खुद से ट्राई करना चाहोगे, ये यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिस पर लिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस यहाँ पर इसे सीखना है। और हम देखते हैं कि इसी दौरान यहाँ पर एक बच्चा अचानक से लिन के सामने जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद जमीन पर गिर जाता है। और निंग यहाँ पर ये देख कर लिन का मजाक बनाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना आसान नहीं है। जिस पर लिन भी कहता है कि सब कुछ यहाँ पर उस बच्चे की वजह से हुआ है और तुम यहाँ पर बस करो हंसना। तभी लीजिंग भी वहाँ पर आती है जो कि यहाँ पर लिन को कन्विंस कर रही थी कि वो यहाँ पर निंग से सीख ले, क्योंकि निंग यहाँ पर 2 साल से आ रही है और उसके पास यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन लिन तो ठहरा यहाँ पर मेन करेक्टर, वो सीधा ही मना करते हुए कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, भले ही तुमने यहाँ पर इसे 2 साल में सीखा हो लेकिन मैं 2 घंटे में सीख कर ये साबित कर दूंगा, तुम्हारे 2 साल एकदम वेस्ट थे। जिस पर निंग को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर निंग भी लिन को चैलेंज कर देती है एक रेस के लिए, लिन यहाँ पर जब सीख जाएगा इसे चलाना तब वो यहाँ पर निंग के साथ आराम से रेस कर सकता है। और हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन जहाँ पर लिन ने स्नोबोर्डिंग करना सीख लिया होता है, जहाँ पर इस दौरान लिन ने काफी सारे स्किल्स को भी सीख लिया था, जहाँ पर लिन अपने मन के अंदर कह रहा था किस तरीके से स्नोबोर्डिंग करना ज्यादा बेहतर होता है। और हम देखते हैं कि कुछ वक्त बाद यहाँ पर लिन निंग के पास आता है, जहाँ पर निंग लिन से पूछ रही होती है कि क्या तुम अब मेरे से सीखने के लिए तैयार हो। जिस पर लिन मना करते हुए कहता है कि उसने यहाँ पर सब कुछ पहले ही सीख लिया और अभी उसे यहाँ पर तुमसे कुछ और यहाँ पर एक्स्ट्रा में सीखने की जरूरत नहीं है। जिस बात को सुनकर निंग यहाँ पर लिन का मजाक बनाते हुए कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, वैसे भी कुछ घंटों के अंदर यहाँ पर स्नोबोर्डिंग सीखना ये कोई मजाक नहीं है। इस पर लीजिंग भी कहती है कि हाँ मिस्टर लिन, मतलब मैं मानती हूँ आपकी स्किल्स को कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बट इतना फेंकना अच्छी बात नहीं होती। जिस पर लिन कहता है कि एक मर्द के शब्द है तो मर्द अपनी पास से पीछे नहीं हटता है, तो आओ एक कॉम्पिटिशन करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं झाओ क्यूपिंग यहाँ पर अपने साथी से कह रहा है कि तुम यहाँ पर वो देख रहे
रहे हो ना, उस बच्चे ने कुछ ही वक्त के अंदर उसे चलाना सीख लिया, जिस पर उसका साथी कहता है कि हाँ हम इस बारे में क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है। जिस पर जाओ क्यूपिंग भी कह रहता है कि हाँ वैसे भी इस बार मैंने इस एडवांस स्कोप का इस्तेमाल किया है, तो अगर मुझे यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर बच पाएगा उसके बाद। जिस पर बड़े बालों वाला पर्सन कह रहा है कि ठीक है तुम जाकर अपनी जगह पर प्रिपेयर हो जाओ, तो क्यूपिंग भी कहता है कि हाँ आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। और हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर का सीन जहाँ पर लिन और निंग तैयार होते हैं, और यहाँ पर जो सबसे पहले 10 मीटर दूर वाली लाइन को पार करेगा वो जीत जाएगा। जिस पर लिन कहता है कि इसे यहाँ पर इतना करीब रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहो उतना दूर रख सकती हो, ताकि तुम हारने पर कंप्लेन मत करो कि मैंने जल्दबाजी की थी। जिस पर निंग कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। और वो यहाँ पर जैसे स्टार्ट करती है, लिन यहाँ पर स्टार्ट होते ही बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाता है। तो निंग इसे देखते हुए कह रही होती है कि क्या सच में उसने यहाँ पर अपनी स्किल्स को इतना ज्यादा शार्प कर लिया है। तभी लिन यहाँ पर पीछे की तरफ घूम जाता है और घूमते हुए निंग से कह रहा होता है कि तुम्हारी स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अच्छी है, जितना की एक एवरेज बच्चे की होती है। जिस पर निंग यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि यहाँ पर अपने ऊपर प्राउड करना बंद करो, अभी भी बहुत दूरी है जो कि हमें तय करनी है। जिस पर लिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि तो फिर मेरा गुड लक तुम्हारे साथ है, तुम यहाँ पर इस दूरी को सेफली तय करना। और लिन को इस तरीके से स्नोबोर्डिंग करता हुआ यहाँ पर लीजिंग भी देख रही होती है, जहाँ पर लीजिंग आगे बढ़ते हुए लिन से पूछती है कि मिस्टर लिन आप उससे जीत कैसे गए। तो लिन बताता है कि शायद वही बहुत ज्यादा ही स्लो है। तभी लीजिंग वहाँ पर पहुंचते हुए लिन से कहती है कि ये गलत बात है, तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला, तुम्हें पहले से स्नोबोर्डिंग आती थी, तुम यहाँ पर मुझे ट्रिक करना चाहते थे। जिस पर लिन मना करते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यहाँ पर स्नोबोर्डिंग सीखने का पहले बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था, ये मेरा पहली बार है। जिस पर निंग यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, मैंने 2 साल से ज्यादा प्रैक्टिस की है और तुमने तो मुझे यहाँ पर बस कैजुअली हरा दिया। तभी लीजिंग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए निंग से कहती है कि अब यहाँ पर ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है सिस्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, वैसे भी तुम लिन से ही तो हारी हो। जिस पर निंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये दोबारा करना है। तो लिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो करते हैं। जिसके बाद वो लोग वापस से माउंटेन की तरफ जा रहे होते ताकि वो स्लाइड कर वापस आ सके। जहाँ पर हम देखते हैं इस दौरान यहाँ पर लिन सरते रख रहा था इस ड्रेस की, और वो यहाँ पर निंग से कहता है कि अगर तुम इस बार मुझसे हारती हो तो तुम्हें यहाँ पर मुझे उस रात की तरीके यहाँ पर डैडी कहना होगा, वो भी विदाउट नशे के, हाँ मतलब अल्कोहल नॉट अलाउड। जिस पर निंग कहती है कि बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हारे पास सोचने के लिए यहाँ पर और ज्यादा बेहतर चीज नहीं थी। और हम देखते हैं इस पर्सन को जो कि यहाँ पर क्यू पैंग को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पर लिन के ऊपर अटैक करे, अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लिन कहीं भी नहीं भाग सकता। जिस पर क्यू पैंग भी कहता है कि हाँ मैं बस उसे टारगेट के अंदर ले रहा हूँ। जिस पर ये पर्सन यहाँ पर क्यू पैंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर एक अच्छा चांस नहीं पाते हो तो फायर करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पर दोबारा फायर करेंगे किसी और अच्छे टाइम पर। जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग फायर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कोई अच्छा चांस नहीं मिल पाता है हिलती हुई उस मशीन की वजह से जो कि उन्हें माउंटेन तक लाई होती है, और अभी ये लोग यहाँ पर वापस से रेस करने वाले होते हैं। जहाँ पर निंग कह रही होती है कि मेरे 1 2 3 पर रेस स्टार्ट करेंगे, और हम देखते हैं कि निंग यहाँ पर तुरंत 1 2 3 कह के यहाँ पर सबसे पहले आगे निकल जाती है, जहाँ पर वो पीछे देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है अपने मन के अंदर कि अब तो मैंने उसे बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है, तब तो ये नामुमकिन है कि वो मुझे हरा सके। लेकिन उसकी स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है क्योंकि लिन उसे आराम से ओवरटेक कर देता है। जहाँ पर निंग पूछ रही होती है कि तुम इतने फास्ट कैसे हो, तो लिन बताता है क्योंकि मेरी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। जिस पर निंग का सवाल ये होता है कि कुछ ही वक्त के अंदर तुम्हारी स्किल्स इतनी बेहतर हुई कैसे, तो लिन यहाँ पर रिप्लाई करता है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। और हम देखते हैं कि इस दौरान यहाँ पर लिन क्यू पैंग के टारगेट पर होता है, तभी क्यू पैंग यहाँ पर फायर करते हुए कहता है कि अब वक्त है तुम्हारे मरने का। लेकिन हम देखते हैं प्लॉट आर्मर की वजह से गोली यहाँ पर लिन के कंधे को छू कर जाती है, और हम देखते हैं किस वजह से लिन यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है अपना बैलेंस खोकर। और गिरते हुए निंग से कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो मैं मरने नहीं वाला। जहाँ पर ये पर्सन भी ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और वो यहाँ पर अपने साथी को भाग कर जाने के लिए कहता है यहाँ से। जहाँ पर निंग लिन के मना करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है और वो सभी को बुला रही होती है हेल्प के लिए। तब लिन यहाँ पर निंग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, तुम यहाँ पर जल्दी से पहले पुलिस के पास यहाँ पर कॉल करो और उन्हें यहाँ पर पार्क सीज करने के लिए कहो। जहाँ पर निंग भी पुलिस के पास कॉल करके सब कुछ बता देती है, तो पुलिस कहती है कि तुम कुछ वक्त के लिए वहाँ पर इंतजार करो, हम सभी वहाँ पर अभी आते हैं। और इस दौरान निंग यहाँ पर लिन को माउंटेन से लेकर नीचे आने लगती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए था इसके लिए। जिस पर लिन कहता है कि पागल जैसी बात मत करो, ये बस एक छोटी सी खरोच है, तो तुम यहाँ पर इसकी इतनी ज्यादा भी परवाह मत करो, मैं कुछ ही वक्त के अंदर ठीक हो जाऊंगा। जिस पर निंग कहती है कि हाँ तुम्हें सबसे पहले जरूरत है हॉस्पिटल जाने की, वो तो मैं देख ही सकती हूँ। उसके बाद जो हमारा सीन है एक एम्बुलेंस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर लिन को देखते हुए कह रहा है कि इसके जख्म बहुत ज्यादा ही गहरे हैं, तो हमें यहाँ पर इसे एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर भेजना होगा। इस पर लिन यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि जो रिपोर्ट करना है ना तुम इसे बाद में कर लेना, जो मेरी मसल है उसके टिश्यूज जल चुके हैं, तो तुम यहाँ पर सबसे पहले इसे साफ करने में मेरी मदद करो। जिस बात को सुनकर डॉक्टर कहता है कि हैं आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तभी लिन के पास एक कॉल आती है जो कि मिस रिक्सो की कॉल थी, और लिन यहाँ पर कॉल को पिक करते
करते हुए कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ, जिस पर मिस रिक्सु कहती है कि तुम्हें बुलेट लगी है, क्या इससे और भी कुछ ज्यादा हो सकता है। जहाँ पर मिस रिक्सु बताती है कि उसे यहाँ पर इस बारे में डायरेक्टर चैंग ने बताया था, और अभी वो खुद यहाँ पर एयरपोर्ट पर है, और यहाँ पर मिस्टर लू ने कहा है कि वो भी यहाँ पर ग्रुप 2 और 3 के लीडर्स को यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भेज रहे हैं। जसपल इन यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हो, मैं तो इसे खुद भी हैंडल कर सकता हूँ। जिस बात पर मिस रिक्सु कहती है कि हाँ मैं देख पा रही हूँ तुमने इस मैटर को कितना अच्छे से हैंडल किया है, तो लिन बताता है कि इस वक्त यहाँ पर सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है, और अगर आप यहाँ पर आती हैं तो हो सकता है कि जो भी यहाँ पर उसके एनिमीज हैं वो यहाँ पर इस बात को सुनकर सतर्क हो जाएं। जिस पर मिस रिक्सु कहती है कि तो फिर ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ, जिसके बाद मैं इसे खुद हैंडल करूंगी। जिस पर लिन कहता है कि हाँ इतना काफी है, इतना बहुत है। जिसके बाद मिस रिक्सु यहाँ पर कॉल को कट कर देती है, और लिन यहाँ पर डॉक्टर से कह रहा है कि वैसे अभी हॉस्पिटल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, तो डॉक्टर कहता है अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो लिन कहता है कि मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहता था। दरअसल अगर यहाँ पर फ्यूचर में कोई यहाँ पर लिन की कंडीशन के बारे में पूछता है तो वो यहाँ पर उन लोगों को इस बारे में बस इतना ही बताएं कि यहाँ पर मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा ही बुरी है, और इसके अलावा जो यहाँ पर बात है उसे आप यहाँ पर बस टालने की कोशिश करें, क्योंकि इससे यहाँ पर मेरी लाइफ पर रिस्क हो सकता है। जिस पर वो डॉक्टर भी इसके लिए मान जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा सीन है हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर्स कह रहे होते हैं लिन की जांच करने के बाद कि यहाँ पर जो मिस्टर लिन की चोटें हैं वो यहाँ पर इतनी भी गंभीर नहीं है, और अभी के लिए यहाँ पर जो जख्म है यहाँ पर बस हमें उसी के भरने का इंतजार करना है। और ये यहाँ पर सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड है जो कि यहाँ पर कह रहा था कि चिंता मत करो, हम यहाँ पर थोड़े बहुत आफ्टर इफेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर दे रहे हैं इसके लिए। जिस पर लिन संग बाहु से कहता है कि वैसे मुझे इस बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी के लिए यहाँ पर तुम सभी को पता है कि मेरी चोट यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, बट बाहर जाकर सभी के सामने यहाँ पर ऐसा पेटेंट करना जैसे कि मैं यहाँ पर मौत की आखिरी कागार पर हूँ। और लिन के इस ऑर्डर को सुनकर यहाँ पर संग बाहु भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, और वो यहाँ पर लिन से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार हमें ऐसा क्यों ही करना है। जिस पर लिन उससे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं ही क्यों, और ऐसा ही लिन यहाँ पर उन्हें धमका कर अपनी बात को मनवा लेता, और हमारा सीन उसके कुछ देर बाद का शिफ्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस दौरान वहाँ पर लीजिंग आ जाती है जो कि रोते हुए लिन से पूछ रही थी कि मिस्टर लिन आप क्या खाना चाहते हैं, अगर आप अभी उठ जाते हैं तो मैं आपके लिए जरूर वो मंगा दूंगी। जिस पर लिन यहाँ पर अपना ऑक्सीजन मास्क निकालते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम लोगों को पहले से यहाँ पर पता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पर रो क्यों रही हो। जिस पर लीजिंग और निंग यहाँ पर रोते हुए कहते हैं कि हाँ लेकिन यहाँ पर हमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया है कि आपकी कंडीशन यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सीरियस है, और मैं आपको इस बारे में ना बताऊं। जिस पर लिन कहता है कि ना बताऊं, तुमने तो मुझे पहले ही बता दिया, और वो सब एक झूठ है जो कि मैंने उन्हें यहाँ पर सभी को कहने के लिए कहा था, तो तुम यहाँ पर इसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो। तभी लीजिंग यहाँ पर लिन से पूछती है कि वैसे मिस्टर लिन आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो लिन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए एक रामेन लेकर आओ, और एक फिश फ्राई, और एक चिल्ड बियर। लेकिन तभी लीजिंग यहाँ पर आगे आते हुए कहती है कि बियर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस खिचड़ी खानी है तो खाओ, नहीं तो हम यहाँ पर फोर्सफुली भी तुम्हें खिला सकते हैं। जिस पर लिन कहता है कि तो गलत बात है, तुम मेरी बीमारी का एडवांटेज उठा रही हो। इस पर निग वहां से जाते हुए कहती है कि बस करो, अभी ड्रामा करना बंद करो, मैं यहाँ से जाती हूँ और देखती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या है जो कि यहाँ पर बेहतर मिल पाता है। तभी लिन यहाँ पर लीजिंग को भी वहां से जाने के लिए कहता है, तो लीजिंग यहाँ पर कहती है कि वो नहीं जाने वाली, बल्कि वो भी यहाँ पर कुछ वक्त लिन के साथ बिताएगी और लिन का ख्याल रखेगी। जिस पर लिन यहाँ पर लीजिंग को उसका कर्तव्य याद दिलाता है कि वो यहाँ पर आई थी दांग काउंटी को बेहतर बना सके, इसलिए अगर वो यहाँ पर टाइम बर्बाद करेगी मेरे साथ तो वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी, और शायद हो सकता है कि उसे दोबारा ऐसा कोई चांस भी ना मिले। और लीजिंग भी यहाँ पर लिन की बात को मान जाती है, और वो दोबारा आएगी यहाँ पर लिन को देखने के लिए, और लिन यहाँ पर अपना ख्याल रखे ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है। तो लिन भी यहाँ पर उसे रिप्लाई करता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर अपना बस ध्यान रखना और यहाँ पर अपने काम पर, बाकी मैं यहाँ पर अपना ख्याल खुद ही रख सकता हूँ। और हम देखते हैं मिस रिक्सु का कॉल, जिसे कि उठाने में लिन थोड़ी देर कर देता है, और मिस रिक्सु यहाँ पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे पागल ही कर दिया, आखिरकार तुम कर क्या रहे थे अभी तक। जिस पर लिन कहता है कि आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। तो मिस रिक्सु कहती है कि बकवास बंद करो, मुझे सब कुछ पता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि गोली ने तुम्हें एक छोटा सा स्क्रैच मारा हो। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, आखिरकार ये किसने किया होगा। जिस पर लिन बताता है कि जो बिगेस्ट गैंग लीडर नहीं है सन मैंगलू, शायद ये उसने ही किया होगा। तभी लिन यहाँ पर अपना शक जाहिर करता है कि उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो लोग यहाँ पर ऐसा कर सके, बट ये यहाँ पर वैंग फैमिली की टेरिटरी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उसी फैमिली का ही कोई मेंबर हो इसके पीछे। जिस पर मिस रिक्सु भी कहती है कि हाँ तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें पता कर थोड़ी देर बाद बताती हूँ। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद यहाँ पर निंग भी लिन के लिए खाना लेकर आ जाती है, और आसपास देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार लीजिंग गई कहाँ। तो हम देखते हैं लिन को, जो कि यहाँ पर निंग को बताता है कि लीजिंग यहाँ से जा चुकी है क्योंकि उसके पास कुछ जरूरी काम था करने के लिए। इस पर लीजिंग कहती है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना सर्व कर देती हूँ, इससे पहले ये ठंडा हो जाए। जिस पर लिन मना करते हुए कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम भी यहाँ पर इतना परेशान मत हो और यहाँ से जा सकती हो। जिस पर निंग बताती है कि वो फिलहाल के लिए अभी के लिए तो नहीं जाने वाली, और इनफैक्ट वो रात तक रुकेगी, वो भी बस लिन को कंपनी दे।
देने के लिए। और ऐसा कहने के बाद निंग यहाँ पर खिचड़ी को निकाल लेती है जहाँ पर वो ट्राई कर रही थी उसे ठंडा करने का। और उसके बाद वो यहाँ पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ यहाँ पर लिन को खिलाने लगती है। तो लिन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अभी तक उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है बट ये फर्स्ट टाइम है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर वैंग मिंग के विले की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर किलर्स आकर बता रहे होते हैं कि आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, हमने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा है कि उसे यहाँ पर बुलेट लगी थी और उसे बहुत ज्यादा भारी डैमेज हुआ है। और इसके अलावा भी वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है और हमने पता किया है कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा नाजुक है। जिस पर मिस्टर लो यहाँ पर उन किलर्स से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ, अभी के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और बाद में हम तुम्हें यहाँ पर चाइना से बाहर भेजने के लिए कोई प्लान प्रिपेयर कर दें, उसके बारे में हम तुम्हें बाद में बता देंगे। जिस पर इन्हें लग रहा होता है कि मिस्टर लो यहाँ पर इन्हें चाइना से निकाल देना चाहते हैं। बट यहाँ पर जैसे ये लोग यहाँ पर मिस्टर लो से इस बारे में पूछते हैं तो मिस्टर लो यहाँ पर बिना कुछ कहे सबसे पहले यहाँ पर दो गोल्डन एटीएम कार्ड को रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे और वो इन किलर को बता रहे होते हैं कि वो यहाँ पर इनके काम से बहुत ज्यादा ही खुश है। बट फैक्ट ये है कि लिन यहाँ पर अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पर जिस लेवल पे है उस हिसाब से लिन के लिए यहाँ पर कंडीशन का मतलब नाजुक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर ये दोनों अपनी पेमेंट पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर लू को थैंक्स कह रहे होते हैं। और उनके जाने के बाद मिस्टर लू यहाँ पर एक डबल गेम खेल जाते हैं जहाँ पर अपने साथी से कह रहे होते हैं कि जोंग तुम यहाँ पर प्रिपरेशन करो और जैसे ही वो लोग यहाँ पर देश से बाहर चले जाएं तुम उनकी टेक केयर करने के बाद 1 मिलियन खुद रख लेना और बाकी रिटर्न कर देना। जिस पर जोंग कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन अभी लिनिए के बारे में क्या, वो तो अभी भी बच चुका है। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि तुम जाकर हॉस्पिटल में यहाँ पर उसकी कंडीशन को कन्फर्म करो, जैसा बताया जा रहा है अगर ये सच है तो एक छोटी सी गलती के साथ उसकी लाइफ को खत्म कर दो। जहाँ पर ये पर्सन भी इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। और वैसे इसका नाम जेंग है जो कि वहाँ से फिर जाने लगता है मजे से। और उसके जाने के बाद यहाँ पर विंग अपने बड़े भाई से पूछता है कि भाई क्या ये सही है। जिस पर उसका भाई कहता है कि हाँ फिलहाल के लिए जब तक के लिए इसे बड़ा ना बनाया जाए, बट अगर वो सर्वाइव कर लेता है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर हमारे सामने आएगा। जिस पर जिंग केयर होता है कि वो नहीं, यहाँ पर जो लिनी है उसकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा बड़ी है और अगर यहाँ पर उसके एकदम से गायब होने की वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन होती है कि किसी ने उसके ऊपर गोली चलाई थी तो यहाँ पर अगर हम फंस जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जिस पर लू कहता है कि यहाँ पर ये हमारी फैमिली के ऊपर बढ़ने का वक्त है, आखिरकार जो भी छोटे मोटे कॉन्सिक्वेंसेस हैं यहाँ पर उनसे कौन ही घबराता है। इसी के साथ हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर लिन के बगल में निंग सो गई होती है बस यहाँ पर लिन को कंपनी देने के लिए। तभी हम देखते हैं लिन यहाँ पर निंग को उठाते हुए कहता है कि जाग जाओ, वैसे भी यहाँ पर अभी वक्त हो चुका है डॉक्टर के चेकअप का, तो अभी के लिए बस तुम जा सकती हो, वो भी एकदम सिंपल वे में। जहाँ पर निंग यहाँ पर इनकी बात को मानकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं लिन यहाँ पर मिस रिक्सु के पास कॉल करता है जहाँ पर मिस रिक्सु बताती है कि तुमने यहाँ पर जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करने के लिए कहा था वो भी मुझे मिल चुकी है कि जो यहाँ पर सन मैंगलो है वो यहाँ पर वैंग फैमिली की एक सीक्रेट शैडो फोर्स की तरह है और वैंग फैमिली ने यहाँ पर उसे अपने सीक्रेट कामों के लिए कल्टीवेट करवाया है। जहाँ पर वैंग फैमिली से वैंग मिंग यहाँ पर कुछ वक्त पहले इस जगह को विजिट करने के लिए आया था, अभी के लिए वो यहाँ से गया तो नहीं है बट उसका प्लान है यहाँ से जल्दी से निकलने का। जहाँ पर लिन इन बातों को सुनते हुए कहता है कि वो अभी मैं सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ, तुम यहाँ पर ज्यादा इस बारे में चिंता मत करो, मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। तभी वहाँ पर दो नर्स आती है जिन्हें की देखते हुए लिन कह रहा होता है कि तुम्हारे आने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर यू और नीचेंग होते हैं जहाँ पर नीचेंग कह रही होती है कि भले ही हमें मिले हुए बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है बट तुमने यहाँ पर मुझे फिर भी रिकॉग्नाइज कर लिया। तभी नीचेंग यहाँ पर अपने आउटफिट के बारे में पूछती है कि ये कैसा लग रहा है, तो लिन बताता है कि अगर ये थोड़ा छोटा होता तो और बेहतर लगता। तो नीचेंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब तुम हील हो जाओगे तब मैं जो तुम्हारी विश है यहाँ पर उसे जरूर पूरा कर दूंगी। जहाँ पर यू इनकी सारी बातों को सुनकर एम्बेरिस हो रही होती है और वो यहाँ पर कहती है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर भी कोई नॉर्मल और सीरियस बात कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर जैसे ही अक्सर मिलते हो इतनी अजीब तरीके की बातें क्यों करने लगते हो। इस पर नीचेंग यहाँ पर थोड़ी सीरियस बात करती है कि क्या तुम्हें पता लगा कि सब किसने किया है। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर शक तो है बट अभी के लिए मैं बस यहाँ पर वेट कर रहा हूँ यहाँ पर टारगेट का खुद ब खुद मेरे पास आने का। जिस पर यू कहती है कि तो यहाँ पर तुमने इसी वजह से सारी अफवाह फैला रखी है ताकि तुम हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर उसे बुलाकर ट्रैप कर सको। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मैं बस कुछ देखना चाहता था बट अपने आप को रिवील मत कर देना। इस पर नीचेंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल हैं और हॉस्पिटल वाले हमें पहचान नहीं पाए, तो आखिरकार उस पर्सन का यहाँ पर हमें पहचानना इसका कोई चांस ही नहीं बनता है। तभी लिन यहाँ पर उनसे जाने के लिए कहता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोग ऐसे ही मेरे पास रहोगे तो यहाँ पर दूसरों को तुम्हारे ऊपर शक हो सकता है। जिस पर नीचेंग जाते हुए कहती है कि हाँ बट अगर यहाँ पर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो तुम यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास कॉल कर देना, और इसके अलावा याद रहे कि जो हमारी नजरें हैं वो हमेशा से तुम्हारे ऊपर हैं। इसी के साथ हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर एक पर्सन को जिसे कि यहाँ पर जेंग ने हायर किया था मिस्टर लू के कहने पर लिन को टपकाने के लिए। और यहाँ पर इस पर्सन का नाम गाओ यांग डू होता है जो कि जेंग को बता रहा होता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ पहले ही पता कर लिया है कि उस पर्सन का रूम नंबर 706 है और मुझे सब कुछ खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी जेंग यहाँ पर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जैसे ही सर्विलेंस कैमरा को बंद करूंगा तुम्हें नोटिफाई कर दूंगा, जिसके बाद तुम आराम से जाकर अपना काम खत्म कर सकते हो। और ऐसे उनकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है जहाँ पर गाओ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो सबसे पहले 1405 रूम नंबर को विजिट करने के लिए जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं उस रूम के अंदर यहाँ पर गाओ का ही
कोई साथी मौजूद था। और वैसे ये लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पहले से रुके होते हैं लिन की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। और गाओ यहाँ पर इनसे वही इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है, जिस पर वो पर्सन यहाँ पर गाओ को बताता है कि अभी के लिए सच में लिन की कंडीशन खराब है। बट बात यहाँ पर दरअसल ये है कि अभी भी कुछ स्पेशल नर्सें हैं जो कि उसका ख्याल रख रही हैं, जिस पर गाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, आखिरकार वो नर्सें कभी ना कभी तो जाती होंगी। इसी के साथ हम देखते हैं निंग को, जो कि शायद कोई गेम खेल रही होती है, और वो यहाँ पर कहती है कि फाइनली मैं ग्रैंड फाइनल तक पहुंच गई, और उसके बाद वो यहाँ पर कंप्यूटर को बंद कर देती है। तभी लिन यहाँ पर उससे कहता है किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेचिंग करना बंद करो, ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओपन दिखाता है, जिस पर निंग कहती है कि क्या ही काफी अजीब लग रहा था। तभी वहाँ पर नीचे आ जाती है जो कि लिन के हाथ से वही निडल वगैरह निकालने लगती है, जहाँ पर वो इस दौरान कुछ अजीब हरकतें भी कर रही होती है। तभी निंग भी यहाँ पर ये देखते हुए लिन से कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये नर्स यहाँ पर अपने साथी के साथ तुम्हारे लिए यहाँ पर फुल टाइम काम कर रही हो। और बस थोड़ी देर की बातचीत के बाद यहाँ पर नीचे सो जाती है, जहाँ पर लिन किसी के पास कॉल करते हुए कह रहा होता है कि अब यहाँ पर वक्त है बाकी के जरूरी कामों को पूरा करने का। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर हॉस्पिटल का सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर लिन को बता रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हो गया जिसकी वजह से सर्विलेंस कैमरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। जहाँ पर लिन इतनी सी बात से सिचुएशन को समझ जाता है और वो जाकर लाइट को बंद कर देता है तुरंत, जहाँ पर निंग भी कुछ रियलाइज कर लेती है और वो जैसे ही जगने वाली होती है लिन उसे शांत करा देता है। और लिन यहाँ पर उसे कह रहा है कि अपने आप को कवर कर लो और यहाँ पर बिल्कुल भी हिलना मत, जहाँ पर लिन निंग को बताता है कि वो यहाँ पर अपने चेहरे को दीवार की तरफ कर ले और उसे यहाँ पर अपनी आंखों को यहाँ पर बंद करना है और जो कुछ भी यहाँ पर होता है बस उसे सुनना है, कुछ रिएक्ट नहीं करना। जहाँ पर निंग भी लिन की बात को समझ गई होती है और लिन भी यहाँ पर मस्त लेटने लगता है। और हम देखते हैं कुछ ही वक्त के बाद यहाँ पर दरवाजा खुलता है, जहाँ पर हम देखते हैं गाओ नाम का पर्सन लिन को मारने के लिए उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर जैसे लिन के ऊपर अपने चाकू से अटैक करने वाला होता है, तभी लिन यहाँ पर अपनी एक आंख खोलते हुए कहता है कि बिंगो ऐसा लगता है कि तुम पकड़े गए। जहाँ पर वो पर्सन भी लिन को इस तरीके से खुद से बातें करता हुआ देखकर हैरान था, लेकिन फिर वो यहाँ पर अटैक करते हुए लिन के ऊपर कहता है कि भले यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें बदल जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अपने प्लान को नहीं बदलने वाला। लेकिन तभी वहाँ पर यू आ जाती है जो कि उसके खोपड़ी पर बंदूक रखते हुए कह रही होती है कि अपने हथियार को डाल दो और अगर तुम मिलने डुलने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिस बात को सुनकर वो किलर यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों ने ट्रैप सेट किया था, तो लिन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम फंस तो गए ना। और ऐसा कहने के बाद लिन यहाँ पर उसके चेहरे पर बजा देता है, जहाँ पर लिन कह रहा होता है कि तुम पहले थोड़ा आराम कर लो, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें यहाँ पर सन मैंगलू ने ही भेजा है ना। जिस पर वो किलर कहता है कि ये हमारी पॉलिसी है, हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कैसे रिवील कर सकते हैं, तुम चाहे जो करना है कर लो। जिस पर लिन यहाँ पर उस पर्सन के वाइफ और बच्चों की धमकी देते हुए उससे कहता है कि अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलते हो तो ये केस यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ही दर्दनाक हो सकता है, और मुझे ये भी पता है कि वो लोग यहाँ पर कौन से रूम नंबर के अंदर है, तो अगर तुम किसी कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं झेलना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर प्यार से वो इन्फॉर्मेशन बता दो जो कि हम तुमसे जानना चाहते हैं। तभी यू यहाँ पर अपने फोन में किसी मैसेज को देखते हुए कहती है कि बॉस ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसके साथी ने यहाँ पर इसे विड्रॉ करते हुए हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है ये तो अच्छी बात है, अब हमें इस पर्सन की कोई जरूरत नहीं है, तो वो पर्सन यहाँ पर अपने घुटनों पर आ जाता है और लिन से कह रहा होता है कि सर मुझे माफ कर दिए, यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, आप यहाँ पर जो भी जाना चाहते हैं प्लीज यहाँ पर पूछिए तो सही। इस पर लिन कहता है कि अब तो तुमने देर कर दी, और ऐसा कहते हुए उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद लिन यहाँ पर निंग से कहता है कि वैसे यहाँ पर जब तक ये सब कुछ सॉल्व हो जाता है तब तक तुम यहाँ से चले जाओ, ये सब कुछ जैसे सॉल्व हो जाएगा मैं तुम्हारे पास कॉल कर लूंगा, और वैसे तुम डरी तो नहीं। तो निंग बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा डर गई थी अपनी डेथ को लेकर। जिस पर लिन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, फ्यूचर में जाकर ये चीजें बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होने वाली। जिस पर निंग कहती है कि तुम यहाँ पर अपना ख्याल रख लेना वो ज्यादा सही होगा, तो लिन कहता है कि तुम इसकी परवाह मत करो। तभी निंग यहाँ पर कहती है कि एक मिनट तुम तो यहाँ पर सही हो, बट डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है। जिस पर लिन बताता है कि सब कुछ एक झूठ था इन लोगों को यहाँ पर पकड़ने के लिए, नहीं तो लिन उन्हें पकड़ता कैसे। तभी यू कहती है कि क्या तुम दोनों लबी डबी होना बंद करोगे, हमारे पास कुछ और भी है सॉल्व करने के लिए। जिस पर लिन कहता है कि उसे यहाँ पर बस अब सन मैंगलू के पास जाना है और यहाँ पर उसका सामना करना है। तभी यू यहाँ पर बताती है कि मुझे पता लग गया है कि वो लोग कहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिस पर लिन पूछता है कि कहाँ पर, जिस पर यू यहाँ पर थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि क्या निंग के आगे ये सब बताना सही रहेगा, तो लिन कहता है कि कोई बात नहीं, वो यहाँ पर कोई स्पाई नहीं है और वैसे भी वो यहाँ पर हमारे साथ है, तो बस यहाँ पर तुम हमें बताओ कि सिचुएशन की कंडीशन कैसी है। जिस पर यू यहाँ पर सब कुछ बताती है, तो लिन इसे सुनते हुए क्या रहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर लू सन मैंगलू यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल करेगा वैंग फैमिली को यहाँ पर कमजोर करने के लिए। जिसके बाद लिन यहाँ पर उस किलर के जैकेट से यहाँ पर उसका फोन निकालता है और किसी नोटिफिकेशन को देखते हुए कह रहा होता है कि अब वक्त है यहाँ पर हमें अपना काम करने का। तभी निंग यहाँ पर लिन से पूछती है कि क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। जिस पर लिन यहाँ पर निंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और रात में तुम यहाँ पर एक अच्छे सपने देखना। और ऐसा
जाने के बाद लिन यहाँ पर निंग को छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर निंग ये देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ये यहाँ पर है कौन, जो कि मुझे हमेशा फील कराता है कि ये यहाँ पर एक अनटचेबल पर्सन है जिसे कि मैं छू नहीं सकती। इसके बाद जो हमारा सीन है वैंग जिंग के विले की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर लू को जो कि पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार अभी हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी है। तो जैंग क्यूपिंग बताता है कि यहाँ पर मैंने उस पर्सन से कह दिया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अपना काम करने के बाद यहाँ पर मुझे इन्फॉर्म कर दे तो वो ऐसा ही कुछ कर रहा होगा। तभी जैंग क्यूपिंग के पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि हमारा टारगेट बहुत ज्यादा सतर्क है। तो जैंग क्यूपिंग यहाँ पर उन्हें वापस आने के लिए कहता है और यही बात वो यहाँ पर मिस्टर लू को भी बता रहा था, जिस पर यहाँ पर लू कहता है कि यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करो क्यूपिंग, वैसे भी तुम यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरे लिए तुम यहाँ पर उस पर्सन को किल कर देते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। तभी जिंग यहाँ पर लू से कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि लिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पब्लिक फिगर है, तो मुझे लगता है कि उसकी डेथ से यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटी और यहाँ पर और भी बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर अट्रैक्ट होने वाली है। जिस पर उसका भाई कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर हम लोग किसी न किसी तरीके से इस मैटर को दबा देंगे। जिस बात को सुनकर जिंग कहता है कि फिर तो ये एक परफेक्ट प्लान है, आओ इसी बात पर एक चीयर्स करते हैं। जिस पर लिन तभी वहाँ पर आते हुए कहता है कि यार अकेले अकेले मुझे क्यों नहीं इन्वाइट किया, जहाँ पर लिन को देखकर जिंग के हाथों से टूटकर इसका ग्लास नीचे गिर चुका होता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पर जिंग इस बात को कन्फर्म करने के लिए लिन से ही क्वेश्चन कर लेता है कि तुम तो मरने वाले थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लिन कहता है कि हाँ तब तक के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा ही सोच रखा था, बट अचानक से मुझे ये फोन मिल गया। जिसके बाद लिन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर जिन तीनों लोगों को भेजा था यहाँ पर, वो तीनों लोग अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे कदमों के नीचे है, तो फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपने लिए कुछ नए खिलौनों को खरीदने के बारे में। तभी मिस्टर लू यहाँ पर खुद होकर लिन को मना करते हैं ये सारी फालतू की हरकतें करने के लिए, और ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर कुछ टॉप के सिक्योरिटी मेंबर्स को बुला लेते हैं जो कि यहाँ पर उसके गैंग के मेंबर्स है। और मिस्टर लू यहाँ पर लिन से कह रहे होते हैं कि तो आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर जीत पाओगे। जिस पर लिन कहता है कि हाँ शायद, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता है। और ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर किसी के पास कॉल करता है जो कि यहाँ पर यू की टीम थी और वो लिन के इशारे का इंतजार कर रही थी, जहाँ पर वो लोग मस्त हथियार वगैरह लेकर यहाँ पर लिन के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर मिस्टर लू ये सब देखते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो यहाँ पर एक कंपनी के चेयरमैन थे ना। जिस पर लिन कहता है कि जैसा कि यहाँ पर मिस्टर वैंग यहाँ पर अपने लिए कुछ सीक्रेट सिक्योरिटी को जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पर हायर करके रखते हैं, तो वैसे ये भी यहाँ पर मेरी एक छोटी सी स्ट्रेंथ है और यहाँ पर तुम लोग चिंता मत करो, जो भी इनके पीछे है मैं यहाँ पर जल्दी उसे वैंग फैमिली से मिटा दूंगा। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता, मिस्टर वैंग ने तो कहा था कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। वैसे अगर ये वाली वॉइस अच्छी लग रही हो तो मुझे जरूर कमेंट कर बताइएगा। जिस पर लिन यहाँ पर मिस्टर लू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या बात है, तुमने यहाँ पर उन्हें इस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर उनके बारे में कुछ पता नहीं कर सकता, ताकि तुम बाद में मेरा इस्तेमाल कर वैंग फैमिली को अपने रास्ते से हटा सको। लेकिन असलियत की बात तो यह है कि वो पर्सन यहाँ पर बस तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता था, उसकी फैमिली तो पहले से ही सेफ है, तो कह सकते हैं कि वो बस यहाँ पर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे ताकि यहाँ पर कुछ गलत होता है तो तुम्हें साइड कर सके। जिस बात को सुनकर मिस्टर लू कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, यहाँ पर वैंग फैमिली हमारा सपोर्ट काफी सालों से कर रही है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर हमें अबेंडेंट नहीं कर सकती। जिस पर लिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर उनके पास कॉल करके खुद क्यों नहीं पूछ लेते। जिस बात को सुनकर मिस्टर वैंग यहाँ पर सबसे पहले वैंग मिंग के पास कॉल करते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू मिस्टर वैंग को यहाँ पर एक गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर लिन का ख्याल रखने के लिए किसी और पर्सन को हॉस्पिटल के अंदर भेजा है और वो जल्दी ही लिन को अपने रास्ते से हटा देंगे। तो वैंग मिंग यहाँ पर इस बात को सुनकर लू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम गधे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि लिन कौन है, जो कि तुमने यहाँ पर एक चांस गवा देने के बाद तुमने दोबारा से ऐसा करने का ट्राई किया है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर खुद को सरेंडर कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि ऐसा क्यों, आखिरकार वो आप ही थे जिसने कि यहाँ पर हमें ऐसा ऑर्डर दिया था करने के लिए। इस पर मिस्टर वैंग बताते हैं कि लिन और मैं यहाँ पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कैसे कह सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर इसके लिए माफ कर देना, बट यहाँ पर तुम्हें इन कामों की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। तभी लिन यहाँ पर मिस्टर लू से पूछता है कि तो तुम्हें अभी क्या पता लगा, तो मिस्टर लू बताते हैं ये वही जो आपने कहा था। तो इस बात पर लिन यहाँ पर उनसे पूछता है कि तो फिर अभी आप क्या करने वाले हैं, तो इस पर मिस्टर वैंग यहाँ पर अपने सर पर वाइन डालते हुए लिन से कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक चांस चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत था, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए, भले ही मैंने यहाँ पर अपने फ्यूचर को उनके हाथों में रख दिया था, बट मैं यहाँ पर इसके लिए तैयार हूँ, तो क्या मेरे बदले यहाँ पर मेरी फैमिली को छोड़ना मुमकिन है। इस पर लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर उनके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस पर मिस्टर लू यहाँ पर अपने सर पे बंदूक रखते हुए कहते हैं कि तो फिर मैं इन चीजों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर इन्हीं शब्दों के बाद एक गोली चलने की बहुत तेज आवाज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर वैंग मर चुके होते हैं और बाकी सभी यहाँ पर बस उन्हें देख रहे होते हैं। तभी लिन यहाँ पर यू को ऑर्डर करता है कि यहाँ पर वो इस सिचुएशन को मतलब संभाले और यहाँ पर किसी और को बिल्कुल भी यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा ना उठाने दे। जिस पर लिन कहता है कि तो फिर क्या आप यहाँ पर वैंग मिंग को भी मतलब धोखा देने वाले हैं,
हैं, जिस पर लिन वहां से जाते हुए कहता है कि शायद वैसे भी तुम यहाँ पर सन मैंगलो की फैमिली से पूछताछ करो और यहाँ पर सारे इनलीगल धंधों के बारे में यहाँ पर पता करो। तभी यू यहाँ पर पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर इस न्यूज को पब्लिक कर देना चाहिए कि आप यहाँ पर अभी ठीक हो चुके हैं। जिस पर लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी चीजें यहाँ पर अभी बेहतर हो चुकी है। फिर यू पूछती है कि आखिरकार आप जा कहाँ पर रहे हो, तो लिन बताता है कि बस एक छोटा सा मैटर है जो कि उसे सॉल्व करना है, क्योंकि वैसे भी जिसने यहाँ पर सब कुछ प्लान किया था वो अभी के लिए सेफ है, तो आखिरकार मैं यहाँ पर उसके पैरों को यहाँ पर बिना तोड़े ऐसे शांति से कैसे बैठ सकता हूँ। और फिर लिन यहाँ पर यू को वहीं रुकने के लिए कहता है और नीचे को अपने साथ चलने के लिए। इसी के बाद हमारा सीन यहाँ पर कार की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर नीचे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर कार से क्यों जा रहे हो। दूसरी कंट्री के अंदर जाने के लिए तुम यहाँ पर एयरपोर्ट का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना। जिस पर लिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये वैंग फैमिली की टेरिटरी है, तो हमारे ऐसा करने पर उन्हें पता लग जाएगा कि जैसा कि वैंग मिंग यहाँ पर कंट्री से बाहर गया है, वैसे भी मैं भी बाहर निकल कर यहाँ पर चीजों को हैंडल करूँ। वैसे यहाँ पर एक पेज मिस हो गया था मुझसे गलती से, जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया था, मतलब मिस्टर लुई यहाँ पर लिन को बताते हैं कि यहाँ पर जो पड़ोसी कंट्री है उसके साथ वैंग मिंग यहाँ पर एक लकड़ियों का कुछ सौदा वगैरह करने वाला है। तो लिन यहाँ पर इसी बारे में कॉल करके युआन और टियान को यहाँ पर नेबर कंट्री के अंदर जाकर इस चीज के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। और नीचे यहाँ पर सब कुछ देखते हुए कह रही होती है कि तुम्हारा प्लान तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बेस्ट है, बट ये रीजन यहाँ पर पैसों का ही नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पर कुछ और हो सकता है जिसकी वजह से ये सब कुछ तुम कर रहे हो। जिस पर लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर सब कुछ पैसे के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर वैंग फैमिली के फेस को क्रश करने के लिए कर रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पर वो लोग दूसरी कंट्री के अंदर पहुंच चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं युआन बताती है कि नदी अभी बंद है तो हमें क्या करना चाहिए। तो लिन कहता है हमें एक सेफ रूट लेना चाहिए। उसके बाद हमारा सीन एक कॉफी शॉप की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर युआन लिन को बता रही होती है कि जैसा कि मिस्टर लू ने यहाँ पर बताया था कि जो यहाँ पर वैंग मिंग है उसके साथ हमेशा उसकी सेक्रेटरी लीना भी रहती है, और वैसे भी उसका लेवल यहाँ पर सही है तो उससे निपटना आसान नहीं होगा। जिस पर लिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो बस तुम्हारे लिए, लेकिन मैं यहाँ पर उसे आराम से नॉक कर सकता हूँ। जिस पर युआन मना करते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी अभी की जो कंडीशन है ना, तुम यहाँ पर वैंग मिंग को भी नहीं हरा सकते, तो आखिरकार उसकी सेक्रेटरी को कैसे हराओगे। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ा रिकवर होना बाकी है, बट मैं यहाँ पर कुछ और ट्राई कर सकता हूँ। और लिन के इन शब्दों से उन दोनों के ही दिमाग में एक प्लान आता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ गन का नाम लेते हैं। वैसे मुझे पता है कि गन जेल के अंदर है, बट जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर इंसान का नाम ही गन हो सकता है, यहाँ पर वो लोग रियल गन की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद लिन यहाँ पर युवान से कहता है कि ऐसी जगहों पर गन ज्यादा महंगी नहीं होगी। तो युवान कहती है कि तो फिर ठीक है कि मैं यहाँ पर एक हैंड गन का इंतजाम करती हूँ। जिस पर लिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी स्किल्स के साथ यहाँ पर इन चीजों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और उसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, और फिर जो हमारा सीन है वहाँ से एक गन शॉप की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन और युवान वहाँ पर आए थे। और लिन यहाँ पर उस शॉपकीपर को हेलो कहता है, जहाँ पर लिन कह रहा था कि यहाँ पर हमें एक हैंड गन चाहिए, बट फिर भी यहाँ पर मेरे पास कोई लाइसेंस और आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बट यहाँ पर मुझे फिर भी चाहिए। जिस पर वो शॉपकीपर भी कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, मेरे पास यहाँ पर इसके बिना तुम्हें देने के लिए यहाँ पर कोई भी गन नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ। तो लिन यहाँ पर उसे एक गोल्डन ATM कार्ड देते हुए कहता है कि इसके अंदर 50 मिलियन है, तुम यहाँ पर जितने जीरो है उन जीरो को यहाँ पर इसके पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद वो यहाँ पर लिन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर गन दे तो सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें ट्रायल पास करना होगा उसके बाद, क्योंकि तुम यहाँ के हो नहीं, अगर तुम यहाँ गए होते तो मैं ऐसा कर सकता था। जिस पर लिन कहता है कि कर तो रहे हो यहाँ पर भेदभाव, अब क्या करने का इरादा है। जिस पर वो पर्सन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर हमारी कंट्री के नहीं हो तो यहाँ पर ये चीजें मेरे लिए मुश्किल भी हो सकती हैं। तो लिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत ID में बात मान जाओगे। जिस पर वो पर्सन कहता है कि अगर आप यहाँ पर एक गन को खरीदने के लिए केपेबल है तो हाँ बिल्कुल। जिस बात को सुनकर लिन वहाँ पर ठीक है कहकर जाने लगता है। और वैसे यहाँ पर उस पर्सन की डिमांड थी कि लिन यहाँ पर इस कंट्री के किसी पर्सन का अप्रूवल लेकर आए, तब वो यहाँ पर गन बेचेगा। जिसके बाद जो हमारा सीन है वहाँ से एक बार की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। तभी वेटर यहाँ पर उनके पास आते हुए बताती है कि चाइना से कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए बॉस। जिस पर ली फेंग यहाँ पर उन्हें अंदर लाने के लिए कहता है, और पीछे वाले का नाम यहाँ पर ली डुंग है। जिसके बाद लिन यहाँ पर जब उनके पास आता है तो ली फेंग पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर लिन बताता है कि मैं बस यहाँ पर रूल्स को जानना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं ली डुंग को, जो कि यहाँ पर नीचे को देखते हुए कह रहा होता है कि क्या बात है, इतनी कमाल की लड़की तो मैंने बहुत वक्त हो गया नहीं देखी। जिस पर लिन यहाँ पर उसके फेस पर चाकू रखते हुए कहता है कि बुढ़े थोड़ा कंट्रोल कर, नहीं तो मौत भी है जो कि तूने अभी तक नहीं देखी। और हम देखते हैं कि लिन के इस एक्शन की वजह से सभी लोग यहाँ पर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ली फेंग और ली डोंग के यहाँ पर काफी सारे लोगों ने लिन को यहाँ पर घेर लिया था। तब ली डोंग यहाँ पर सभी को शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ सभी लोग, वैसे भी वो यहाँ पर हमें से एक है, तो हमें यहाँ पर इतना जल्दी उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पर लिन से कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम अकेले नहीं आए होगे, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ और वो लोग यहाँ पर किसी प्लान के साथ आते हैं, तो तुम्हारा भी कोई प्लान होगा। जिस पर लिन यहाँ पर गुस्से में कहता है कि सब कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हारे हाथों को तोड़ दूंगा।
जिस बात को सुनकर लीफेंग यहाँ पर तालियां बजाते हुए कहता है कि वाह तुमने तो दिल ही जीत लिया। वैसे भी मुझे पता है तुम नर्वस हो और हिम्मत ही होने का दिखावा कर रहे हो, बट मैं चाहता हूँ तुम्हारी इस हिम्मत को परखने का। तो अगर तुम यहाँ पर जीतते हो तो मैं तुम्हें एक आइटम फ्री में दूंगा। जहाँ पर वो लिन को बंदूक दिखाते हुए कहता है कि चलो इसके साथ यहाँ पर गेम को स्टार्ट करते हैं। जिस पर लिन कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम कैसा गेम रखते हो। वैसे किस किसने यहाँ पर बक्स और रोलेट के बारे में सुना है, ये वही गेम होने वाला है। जहाँ पर हम देखते हैं लूडोंग कह रहा होता है नी चेंग से कि तुम यहाँ पर घबराओ मत ब्यूटी, अगर उसे यहाँ पर कुछ होता है तो मैं तुम्हारी टेक केयर करने के लिए हूँ ना। जिस पर नी चेंग कहती है कि क्या सच में यहाँ पर तुम इस चीज के लिए वर्थी भी हो। जिस पर लीडोंग कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, वैसे भी क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर 20 से ज्यादा लोगों को मारा है, तो आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कितना वीक हो सकता हूँ। इस पर नी चेंग कहती है कि नहीं तुम स्ट्रांग हो बट मेरे लेवल के बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर आज इसे मार देते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें खुद सर्विस देने के लिए आज रात के लिए आऊंगी। जिस पर लीडोंग कह रहा होता है कि तो ठीक है अपना प्रॉमिस यहाँ पर याद रखना। जिसके बाद लीफेंग यहाँ पर इनको रूल बताता है जो कि तुमने पहले ही सीख लिया मतलब देख लिया होगा। जहाँ पर इन भी उन सारे रूल्स को सुनकर यहाँ पर इसके लिए एग्री हो जाता है। जिसके बाद गन के अंदर बुलेट भरी जाती है और देखने से लग रहा है कि 2 लाइव राउंड है और 4 खाली राउंड है। जिसके बाद लीफेंग यहाँ पर इनको गन दे देता है और लिन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि मैं ही पहले ट्राई करूँ। जिस पर लीफेंग कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो तुम यहाँ पर हार मान सकते हो और खुद को यहाँ पर मेरे उन 2 लोगों के ऊपर छोड़ दो, वैसे भी वो तुम्हें यहाँ पर जान से तो नहीं मारने वाले। तभी हम देखते हैं लिन यहाँ पर अपने सर पर बंदूक रख लेता है और जैसे यहाँ पर गोली चलाता है वो एक खाली राउंड निकल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा गए थे। और नीचे यहाँ पर स्माइल करते हुए कह रही होती है कि पहला राउंड यहाँ पर खराब हो चुका है और लिन को यहाँ पर लिन को पहले से ही पता है यहाँ पर बुलेट किस राउंड के अंदर है और अभी 5 राउंड बचे हैं। तभी लिन यहाँ पर लीफेंग को बंदूक देते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है तब ये तुम्हारा मौका है। इस पर हम देखते हैं लीफेंग को जो कि यहाँ पर बाजी मार देता है और वो यहाँ पर लीडोंग को आगे करते हुए कहता है कि मेरी तरफ से यहाँ पर गेम को लीडोंग कंटिन्यू करने वाला है। जहाँ पर लीडोंग लिन को धमकी देते हुए कह रहा है कि बच्चे तू यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, तो बेहतर होगा कि तू यहाँ पर एक बुरी मौत मरने से पहले सरेंडर कर दे, हम तेरे हाथ पांव ही तोड़ेंगे। जिस पर लिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले ही राउंड के अंदर पीछे हटने वाले हो जो कि तुम ये सब कह रहे हो। जिस पर लीडोंग कहता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा किसने कहा, मैं तो तुम्हें मौका दे रहा था, चलो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद लीडोंग यहाँ पर बंदूक को अपने सर पर रखते हुए यहाँ पर दोबारा से फायर करता है। जहाँ पर हम देखते हैं ये राउंड भी खाली निकल जाता है और यहाँ पर लीडोंग कह रहा होता है, जहाँ पर वो लिन से कह रहा था कि मैंने तेरे को यहाँ पर सरेंडर करने के लिए कहा था बट अब तू यहाँ पर अपना मौका यहाँ पर खो चुका है, तो बेहतर होगा कि तू यहाँ पर अभी सरेंडर कर दे। जिस पर लिन यहाँ पर उसके हाथों से बंदूक को छीनते हुए कहता है कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तुम यहाँ पर इसकी चिंता मत करो, हम यहाँ पर अपना गेम आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पर लिन एक और फायर करता है और ये बुलेट भी यहाँ पर एम्प्टी निकल जाती है। जहाँ पर लीडोंग घबराते हुए कह रहा था कि नामुमकिन, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर लिन कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, वैसे भी क्या तुम यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार हो। जिसके बाद लिन यहाँ पर गोली को बंदूक से निकालते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ पर हार मान सकते हो, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, ये वाला जो राउंड है वो लाइव राउंड है, तो तुम यहाँ पर पूरी तरीके से हार चुके हो। पर लीडोंग यहाँ पर लीफेंग से कह रहा होता है कि क्या हम सच में हार चुके हैं। जिस पर लीफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था हम पीछे नहीं हट सकते अपने प्रॉमिस से। जिसके बाद लीफेंग वहां से जाते हुए कहता है लिन से कि तो ठीक है बच्चे, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए लीडोंग से कहना या फिर मेरे आदमियों से कह देना, वो यहाँ पर तुम्हें वो चीज प्रोवाइड करा देंगे। जिसके बाद जो हमारा सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर फ्री की गन लेकर आ गए होते हैं और नीचे यहाँ पर इसे देखते हुए कह रही होती है कि प्रोडक्ट तो थोड़ा ओल्ड है बट फिलहाल के लिए ये गोल्ड है। और लिन यहाँ पर फोन देखते हुए कह रहा होता है कि अभी की कंडीशन यहाँ पर हमारे लिए एडवांटेज भरी है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो वैंगमिंग यहाँ पर कोई इनविंसिबल पर्सन नहीं है, जब मैं उसके सर पर बंदूक रखूंगा तब तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं देखना चाहता हूँ उसे यहाँ पर मेरे सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हुए। जिस पर नीचे कहती है कि बिल्कुल सही, उसके साथ यहाँ पर यही होना चाहिए जैसा कि उसने यहाँ पर सन मैंगलोर और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिसे कि उसने धोखा दिया है, तो उसकी डेथ यहाँ पर इतनी सिंपल तो नहीं होनी चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि वो सब तो ठीक है बट तुम मेरे इतना करीब आखिरकार क्यों आ रही हो। जिस पर नीचे कहती है कि बस कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए। इस पर लिन कहता है कि क्या ये वही तो नहीं है जो कि यहाँ पर फर्स्ट मिशन के दौरान तुम्हारे साथ होने वाला था। इस पर नीचे कहती है कि नहीं, वो उतनी ज्यादा बुरी तरीके से तो नहीं होने वाला, और क्या होने वाला ये सब कुछ तुम लोग खुद ही देख लो, मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम अभी के लिए रुक सकती हो, यकीन नहीं हो रहा है कि उस मिशन के दौरान मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं बल्कि उन लोगों को बचाया था, नहीं तो मुझे पता होता कि कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं यहाँ पर उन्हें एक प्यारी सी मौत देता। जिस पर युवान कह रही होती है कि मैं अपनी सुबह का कीमती टाइम बर्बाद नहीं कर सकती थी ना। तभी लिन के पास यहाँ पर किसी पर्सन की कॉल आती है, जहाँ पर वो लिन को बताता है कि बॉस मैंने यहाँ पर वैंगमिंग को ढूंढ लिया है, होटल -1201 रूम नंबर। तभी लिन यहाँ पर युवान से पूछता है कि मैंने यहाँ पर जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था आखिरकार वो कैसा चल रहा है। जिस पर युवान बताती है कि बस आज की एक मीटिंग है और हमने उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे पैसे ऑफर किए थे और मुझे यकीन है कि उन्होंने आगे के कामों में बहुत ज्यादा लापरवाही की होगी। इस पर लिन यहाँ पर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी ना कि वो साफ साफ कह सके कि युवान जो कुछ भी है यहाँ पर जल्दी से फिनिश करो और यहाँ से चलो, फिलहाल के लिए
में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और हम देखते हैं नीचे को, जिसने कि अपना काम खत्म कर दिया था और वो यहाँ पर लिन से कह रही होती है कि तो वैंगमिंग के बारे में पता लग गया। इस पर लिन यहाँ पर नीचेंग से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अब वक्त है वहाँ पर चलने का। जिस पर युआन जैसे ही तैयार होने जाती है, लिन यहाँ पर उसके साथ खेल जाता है और जाते हुए अपने मन के अंदर कह रहा था कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं थी कि मैं तुम्हें भी यहाँ पर इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व कर लूँ, तो वैंगमिंग को मैं यहाँ पर अकेले ही हराना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारा सीन है वो यहाँ से काई काई होटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एलिया वैंगमिंग के लिए यहाँ पर खाना लेकर आती है। जहाँ पर हम देखते हैं वैंगमिंग किसी से बात करते हुए कह रहा होता है कि मैं वहाँ से इतना सब कुछ होने के बाद चला आया हूँ, वैसे भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक मैं मरा नहीं, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है और लीना को यहाँ पर कह रहा होता है कि भले ही यहाँ पर लीनिए इन चीजों को यहाँ पर अपने हाथों से संभाल रहा है, बट वो काफी तक किस्मत वाला है कि मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ और मुझे लगता है कि अभी मुझे यहाँ पर जरूरत है उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की, भले ही ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है लेकिन उसके जख्मी हाथ के साथ ये हमारे लिए उतना भी खतरनाक नहीं होने वाला। तभी लीना कहती है कि सन मैंगलू ये यहाँ पर इतना भी भरोसे का आदमी नहीं रहा, वैसे भी एक बार तो ठीक है उसने दो बार मिशन को यहाँ पर फेल किया है, बट इसके बावजूद भी जैसे ये सब कुछ खत्म होगा हम जाने के बाद उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। जिस पर वैंगमिंग कहता है कि फिलहाल के लिए हमें शांत रहना होगा क्योंकि मिस रिक्सु यहाँ पर अगर एक्शन लेती है तो ये चीज तो हमारे लिए भी थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है। तभी हम देखते हैं दरवाजे पर नॉक होता है, तो लीना यहाँ पर पीछे की तरफ देखते हुए पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन, तो उधर से कोई आवाज नहीं आती है। तो वैंगमिंग कहता है कि जाओ देख कर आओ, तो लीना यहाँ पर जैसे ही दरवाजे के बाहर देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि एक वेटर है जो कि यहाँ पर वाइन वगैरह लेकर आया सर्विस के तौर पर, और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है लीन उसके ऊपर रस कर देता है। जहाँ पर वो कुछ बोल पाते उससे पहले लीन यहाँ पर अपने हाथों से उसकी बोलती को बंद करता है और अपने चाकू के साथ यहाँ पर उसकी सांसों को, जहाँ पर लीना अपने फटे हुए वोकल कॉर्ड से पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम हो कौन, लेकिन लीन यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और वो यहाँ पर वैंगमिंग से कह रहा होता है कि सरप्राइज आखिरकार तुम्हें यहाँ पर मुझे देखकर कैसा लग रहा है। तभी वैंगमिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी पता लग गया है कि सन मैंगलू यहाँ पर हमारी फैमिली का एक छोटा सा कुत्ता है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी यहाँ पर तुम हमारी फैमिली से उलझना चाहते हो तो यकीन मानो कि तुम बाद में यहाँ पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे, और वैसे भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस चाकू के साथ मुझे मार सकते हो तो आओ यहाँ पर इसे ट्राई कर लो वन ऑन वन यहाँ पर फाइट कर। जिस पर लिन यहाँ पर फाइट के लिए मना कर देता है, जिस पर लिन कहता है कि मैं यहाँ पर अपने रसिंग गन का इस्तेमाल करूंगा, तो वैंगमिंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, बस एक कार्टून है। तो इस पर लिन रिप्लाई करता है कि वही तो, यहाँ पर तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि एनिमे यहाँ पर कार्टून से बढ़ के है। जिस पर वैंगमिंग कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन सारिंग कहाँ है, यहाँ पर तो बस गन है, क्या तुम डायरेक्ट फायर करने का सोच रहे हो, वो भी बिना साइलेंसर के। जिस पर लिन कहता है कि इससे फर्क ही क्या पड़ता है, कौन सा तुम्हें हेवन मिल जाएगा जब मैं साइलेंसर लगाकर शूट करूंगा। इस पर वैंगमिंग जो कि ये सोच रहा था कि वो बुलेट ज्यादा तेज हो सकता है, वो दौड़कर यहाँ पर लिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं लिन का यहाँ पर बस एक फायर, सॉरी लिन ने यहाँ पर दो गोलियां चलाई हैं जिससे उसके घुटने टूट जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कोई पर्सन जो कि कुछ देर पहले दौड़ रहा था अभी वो जमीन पर होता है, और हम देखते हैं वैंगमिंग यहाँ पर लिन को धमकी देते हुए कहता है कि लिनिए अगर मैं बच गया तो तुझे जान से मार दूंगा। वैसे अगर वैंगमिंग यहाँ पर मर गया होता तो मैं यहाँ पर लिनिए की तरफ से ये डायलॉग बोलता कि चल चूतिया आखिरकार तेरे को क्या सच में लगता है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है तेरे को यहाँ पर आकर जिंदा छोड़ने के लिए, लेकिन लिन ने यहाँ पर उसे सच में जिंदा छोड़ दिया होता है और कह रहा होता है कि ठीक है तू लगा ले तेरे अंदर जितना भी दम है, देखते हैं कि आखिरकार तू यहाँ पर अपने इन टूटे हुए पैरों के साथ क्या कर पाता है। इसी के साथ वैंगमिंग यहाँ पर पीछे चिल्ला रहा होता है, लिन यहाँ से शांति से जा रहा होता है, और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा सीन है वहाँ से मस्त हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिन हॉस्पिटल के अंदर आते हुए यू से कहता है कि आज की रात इतनी कमाल की थी कि मैं सो ही नहीं पाया। जिस पर यू कहती है कि क्या चल रहा है, क्या मतलब है इसका, क्या सब कुछ हो गया जो कि तुम करने के लिए गए थे। जिस पर नीचे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसने यहाँ पर मुझे बेहोश कर वापस से सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। जिस पर यू पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या, तो नीचे बताती है कि लिन ने बस वहाँ पर जाकर उसके पैर तोड़े। जिसके बाद यू यहाँ पर लिन से पूछती है कि वैसे तुम क्या सोच रहे हो, क्या वैंग फैमिली से यहाँ पर तुम सारे कनेक्शन को तोड़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ ज्यादा वक्त तक नहीं छिपाया जा सकता। जिस पर लिन कहता है कि क्या कुछ छिपाना, वैसे भी ये यूजलेस होगा क्योंकि उन्हें अभी तक पता लग गया होगा कि मैं ही था। जिस पर युआन कहती है कि तुम तो यहाँ पर इतने समझदार हो तो आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर लिन बताता है कि भी जो कुछ हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर वैंग फैमिली ये सब कुछ यहाँ पर पब्लिक नहीं कर सकती, तो मेरे लिए यहाँ पर उन्हें पीछे से खत्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिस पर नीचे कहती है कि तुमने तो यहाँ पर उसे भी जान से नहीं मारा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम वैंग फैमिली को इतना आराम से यहाँ पर निपटा दो, कि आखिरकार ये कॉन्फिडेंट आता कहाँ से है। और हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंट के तौर पर यहाँ पर मिस रिक्सु आ जाती है जो कि पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। जहाँ पर ये दोनों मिस रिक्सु को देखकर थोड़ा तो शॉक थे बट सिचुएशन समझ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग बिना कुछ कहे शांति से यहाँ से चले जाते हैं। और मिस रिक्सु यहाँ पर लिन से पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर आज वापस आ गए और तुमने यहाँ पर मुझे इस बारे में बताया नहीं, वैसे मैंने भी तुम लोगों को नहीं बताया है कि लिन अभी जंगाई के अंदर है और उसी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है जो कि मिस रिक्सु ने ही यहाँ पर लिन को दिया था। जिस पर लिन कहता है कि मुझे यहाँ पर टाइम ही नहीं मिला, तो मिस रिक्सु कहती है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी करो और मुझे यहाँ पर पहले अपने घाव दिखाओ। जिस पर लिन कहता है कि क्या सच में इसकी जरूरत है, मतलब ये ठीक ही है, वैसे भी ज्यादा गहरा नहीं है बट जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और वैसे भी मुझे भूख लगी है तो चलो हम लोग क्या कुछ बाहर खाने के लिए चल सकते हैं। जिस पर मिस रिक्सु यहाँ पर खुद ही शर्ट को ओपन करते हुए कहती है कि जब तक मैं इसे देख नहीं लेती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर वो लिन के घाव को देखती है और देखते हुए कह रही होती है
ये क्या बात है, पट्टी के ऊपर तक ब्लड आ रहा है। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई, क्या बुलेट यहाँ पर तुमसे टकरा कर दग गई थी क्या। जिस पर लिन कहता है कि तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो, बस ऊपर ऊपर का एक रंग है। जहाँ पर मिस लिन की बात को ना सुनते हुए नर्स को जाकर बुला लाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो नर्स यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले लिन के बैंडेज को उतारती है और लिन से यहाँ पर प्यार से कह रही होती है कि थोड़ा सा दर्द होगा बट इसे होल्ड कर लेना। जिस पर लिन कहता है कि आप जैसी खूबसूरत लेडी यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ करे तो आखिरकार दर्द कैसे हो सकता है। और हमें यहाँ पर जब बैंडेज कटने के बाद लिन के घावों को दिखाया जाता है, वो सही तरीके से भरे नहीं थे। और इसी बारे में मिस रिक्सू भी यहाँ पर नर्स से पूछती है तो नर्स बताती है कि ये कोई नौसिखिया डॉक्टर था जिसने कि फिलहाल के लिए यहाँ पर बस ब्लीडिंग को रोका था, ना कि इंजरी को सही करने की कोशिश की थी। इस पर लिन यहाँ पर बताता है कि अरे वो मेरे पास टाइम नहीं था ना, तो मैंने ही कहा था उनसे ऐसा करने के लिए। जिस पर वो नर्स यहाँ पर दोबारा से लिन से कहती है कि ठीक है मैं इसे थोड़ा साफ कर रही हूँ, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। जिस पर लिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस पर नर्स कहती है कि तो ठीक है मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। जहाँ पर वो इस चीज को लेकर थोड़ी देर पहले कॉन्फिडेंट था, वो यहाँ पर थोड़े ही वक्त के अंदर हार मान लेता है। वैसे इस सीन के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहे, तो तुम खुद ही इमेजिन कर लो, दूसरे के दुख को देखकर यहाँ पर दुख होना या फिर दुख के आंसू, क्या कहते हो। तभी लिन यहाँ पर मिस रिक्सू को शांत कराते हुए कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, ये इतना भी दर्दनाक नहीं है। सॉरी वीडियो इतनी लेट हो गई बट समय तो बीत चुका है ना, तब हम क्या कर सकते हैं। वैसे तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे थोड़ी गलत सिचुएशन के अंदर डाल दिया है। मैंने यहाँ पर कम्युनिटी पोल किया था और वहाँ पर तुम लोगों ने सेलेक्ट किया था कलरफुल मांगा, महानवा कुछ भी समझ लो, बट यहाँ पर जो कलरफुल है वो भी रिवेंज वाली, क्योंकि तुमने सेकंड पोल के अंदर यहाँ पर रिवेंज चुना था ना कि लव, क्योंकि रिवेंज वाली जितनी भी स्टोरी थी सारी की सारी पहले ही एक्सप्लेन कर दी गई है, वो भी कलरफुल जितनी भी थी। और यहाँ पर इस वक्त जो नई स्टोरी है उनके ज्यादा चैप्टर्स अवेलेबल नहीं है, बट कहते नहीं है इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, कोरिया वालों को ये बात समझनी चाहिए, उनके स्ट्राइक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि काफी सारे चैनल्स हैं जो कि यहाँ पर स्ट्राइक के बावजूद भी उनकी स्टोरी को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। वैसे ये रही दूसरी बात, पहली बात ये है कि जो रिवेंज से रिलेटेड महानवा है या फिर मांगा है वो सारी ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो मैं ट्राई करूंगा कलरफुल ढूंढने का, बाकी नहीं होता है तो मैं वही एक्सप्लेन कर दूंगा।